रामनगर के बिजली बोर्ड के एक जेई और एक फोरमैन को एसडीओ द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है, और क्या कारण रहा सस्पेंड करने का ये भी इनसे जानेंगे। फिलहाल विरोध जता रहे हैं एसडीओ का जितने भी कर्मचारी है, बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी है वो एसडीओ का विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि गलत कनेक्शन लगाने की वजह से कुछ पशुओं की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन दोनों को सस्पेंड किया गया है। एक जेई और एक फोरमैन था। फिलहाल यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या कारण है। हमारे साथ मौजूद है, आप सभी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी आज इकट्ठा हुए हैं और बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कारण रहा आज आप इकट्ठा हुए हैं और दो जेई और एक फोरमैन जो है उनको सस्पेंड किया है, क्या कारण रहा उनको सस्पेंड किया? सबसे पहले तो मैं हमारी सब यूनिट एचएससीबी वर्कर यूनियन की तरफ से आपका यहाँ पे पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं नवीन प्रधान प्रेसिडेंट यहाँ रामनगर सब यूनिट रामनगर करनाल से। तो जो यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, ये दो हमारे कर्मचारी जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनका एक का नाम है सुखविंदर सिंह जी और दूसरे हैं एफएम हमारे हैं संजय कुमार जी। तो उनको सस्पेंड ऐसे कर दिया क्योंकि जो हमारी एसडीओ है वो कर्मचारियों पे दबाव बनाती है। उसमें क्या है कि जैसे कोई भी कंज्यूमर कोई कार्य लेके आता है तो जैसे ही मतलब जेई या फोरमैन लाइनमैन कोई भी मतलब इंक्वायरी करके आता है साइट पे और उनको अगर गलत कार्य लगता है वो नहीं करते, और कंज्यूमर अगर एसडीओ के पास चला जाता है तो एसडीओ कर्मचारियों को ना पूछकर भी कार्य करना है या मतलब किस वजह से आपने रोक रखा है, उन पर दबाव बनाती है काम करने के लिए, और दबाव के कारण कर्मचारी कहीं ना कहीं दबाव में आके किसी ना किसी बात से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर देता है, साइन कर देता है एसडीओ के दबाव में आके। उसके बाद क्या होता है कि एसडीओ अपना पल्ला झाड़ लेती है अपना मान सम्मान बचाने के लिए, उसमें ना तो कोई लिखित में मतलब लेटर दिया जाता है कार्य करने के लिए, ना ही कुछ मौखिक रूप से मतलब दबाव बनाया जाता है, और जब दबाव में आके कर्मचारी वो कार्य कर देता है तो एसडीओ अपना बचाव करती है और उसमें दबाव बनाकर दूसरे कर्मचारियों से उनके खिलाफ लिखवा दिया जाता है, जिसके कारण दो हमारे कर्मचारी यहाँ पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा पहले भी हमारे कई कर्मचारी इसी प्रकार इस एसडीओ के उस दिन मुख्य कारण क्या रहा था सस्पेंड करने का? मुख्य कारण तो अभी इंक्वायरी चली हुई है, मतलब दोषी कौन है उसमें, लेकिन इंक्वायरी से पहले ही उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगर वो दोषी पाए जाते वो तो एक अलग बात थी। बताया जा रहा है कोई पशु भी बिजली कारण मरे हैं? एक कोई वहाँ पे पता चला था कि कोई कनेक्शन हुआ था वहाँ पे, और वो जो कनेक्शन हुआ है उसमें जेई की कोई गलती नहीं है, उसमें एसडीओ के दबाव में आके जेई ने मतलब वो कनेक्शन कराया था, और उसमें भी जेई ने वो कनेक्शन करने से मना कर दिया था और जेई पे दबाव बना के उसका एस्टिमेट बनवाया गया। अदिति राणा एसडीओ ने फिर संजय फोरमैन पे दबाव बनाया और संजय फोरमैन ने वो कनेक्शन किया है, वो भी डिपार्टमेंट की केबल लगाकर, और उसमें सरासर जो गलती है वो एसडीओ की है, उसमें दोनों कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कनेक्शन होने के बाद जब वहां पे पशुओं को करंट लगता है तो उसके बाद एसडीओ ने सीधा संजय फोरमैन पे दबाव बना के जेई के खिलाफ लेटर लिखवा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी एसडीओ की थी, कहीं मेरे ऊपर बात ना आए, तो उनको अकेले को बीच में बिठा के अफसरों का दबाव दिलवा के उनसे लेटर लिखवाया। अफसर शाही की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, धक्का शाही है, हिटलर शाही भी कह सकते हैं आप इसको। पहले अपने आप ही आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, फिर जब उनकी गलती निकलती है तो फिर आपके ऊपर पल्ला जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल देख सकते हैं कि जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वर्कर है, वो सभी इकट्ठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एसडीओ धक्काशाही कर रही है हमारे साथ, दबाव बनाती है, उसके बाद कनेक्शन लगाए जाते हैं, जब कनेक्शन लगा दिया जाता है और उसके बाद कुछ पशुओं की वहां पर मृत्यु हुई है, उसके बाद अपना पल्ला झाड़ने के लिए दो, एक जेई और एक फोरमैन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिलहाल कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और इनक्वायरी चल रही है, जांच जारी है, जांच के बाद सामने आएगा कि जेई और फोरमैन की गलती थी या फिर एसडीओ ने धक्काशाही के कारण, अपनी अफसरशाही के कारण इन दोनों को निशाना बनाया है। अपील आप सभी से रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आज इकट्ठे हुए? देखिए आज जो ये गेट मीटिंग रामनगर सब डिवीजन के अंदर रखी गई है, ये दो कर्मचारियों के सस्पेंशन पर रखी गई है जिनको गलत सस्पेंड कर दिया है। इसमें एक कनेक्शन था जो कि रामनगर के एसडीओ द्वारा फोरमैन जी को दबाव देके उन पे लगवा दिया गया। जेई साहब को उसका पता भी नहीं था। जेई के एरिए में
बिना पूछे काम हो रहा है, ये भी एक गलत बात है। एचएससी वर्कर यूनियन इन सभी कारणों से आज एचएससी वर्कर यूनियन कभी नहीं चाहती कि भाई किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन रखे, लेकिन अगर कोई गलत नीतियों से हमारे कर्मचारियों को परेशान करेगा फिर एचएससी वर्कर यूनियन उसका कड़े शब्दों में मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसे भी आगे हमारी यूनिट का, सर्कल सचिव का, जो भी हमारे केंद्रीय परिषद के भी हमारे बीच में प्रधान जी आए हुए हैं, आगे जो उनका हमारे पास जो भी मैसेज आएगा एचएससी वर्कर उस उन बातों पर फूल चढ़ाएगी। जो भी कल का आदेश होगा वो भी हम प्रेस नोट के माध्यम से आप सभी को दे देंगे। तो चाहेंगे जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जिसकी भी गलती हो उसको सजा मिले। देखो जी, निष्पक्ष जांच होगी तभी कार्रवाई का पता लगेगा। फोरमैन और जेई इसमें दोषी नहीं है, दोषी इसमें कुछ हो रहा है। ये प्रोग्राम जो बना के किसी और पे मंडने का काम किया है, जो गलत सस्पेंड हुए है, हम सभी को यही बोलेंगे निष्पक्ष जांच करा के। ये सीएम सिटी कह रही है यहाँ एक मिनट में कंज्यूमर काम के लिए दर बर फिरते रहते हैं, अपना भटकते रहते हैं, तो हम भी कर्मचारी हमारे सभी चाहते हैं कि भी हम निष्पक्ष सभी के साथ अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें और किसी के काम में कोई ज़्यादा बाधा ना आए। हमारे सभी कर्मचारी काम के प्रति निष्ठावान है और जो भी हमारे आगे सेंट्रल काउंसिल के, हमारे सर्कल सचिव जी के आदेश होंगे वो आपके बीच में हम बताते हैं। सर, दोस्त